जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ, ब्लूटिक कैसे बाय करते हैं। क्वेश्चंस थे मेरे पास काफ़ी सारे कि भाई ब्लूटिक का बता दें, ब्लूटिक कैसे बाय करना है, आप इसका मेथड बता दें, तरीके कार बता दें। तो मैं आपको तरीके कार बता देता हूँ इसका कि आपने इसको बाय कैसे करना है। जी मेरे पास एक आईडी है जिसके ऊपर ब्लूटिक नहीं है और मैं इस पे ब्लू टिक बाय करना चाहता हूँ। मैं कैसे बाय करूँगा? तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, ये प्रीमियम लिखा हुआ है, आपने इस प्रीमियम के ऊपर क्लिक करना है। और आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन तो आप है नहीं, तो आप इंडिविजुअल ही हैं। आपने इस वाले पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऊपर तीन ऑप्शन आ रही हैं, बेसिक, प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस। बेसिक के अंदर ये है कि आपको ग्रुप की जो है वो एक्सेस नहीं होगी, आपके एड्स चलेंगे आपके फॉर यू पे, और रिप्लाई बूस्ट जो है वो आपका स्मॉलेस्ट होगा, ज़्यादा आपका वो नहीं होगा। और इसमें ये है कि आपको ब्लू टिक भी नहीं मिलेगा। आप ये बाकी सारी ऑप्शन आप ये पढ़ेंगे, आप ये पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये आपको टिक मिला हुआ है तो इस पर ये आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लॉन्गर पोस्ट है, अंडू पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटर हब के अंदर गेट पेड नहीं होंगे आप, आपको ब्लू, क्योंकि ब्लू टिक नहीं आया तो आपके पास आप इसमें आप कमा नहीं सकते, इसमें अर्न नहीं कर सकते, तो ये फायदा भी नहीं है इसका बेसिक लेने का। और इसके अलावा आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। बहरहाल आपके पास अगली दो ऑप्शंस हैं, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस। प्रीमियम जो है, प्रीमियम के अंदर आपके पास ग्रो की एक्सेस नहीं है, बाकी आपके पास सब कुछ है, बाकी आप सब आपके पास टिक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा ये टिक है हर जगह पे। इसमें आपकी बूस्ट जो है रिप्लाई की, जो आप रिप्लाई करते हैं किसी को या किसी बड़े अकाउंट पे, तो उसकी बूस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी, लार्जर बूस्ट मिल जाती है आपको। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों में आपका जो है ना जाता है पोस्ट रिप्लाई, तो उससे इम्प्रेशंस बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें फिर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन रहती है कि आप गेट पेड भी हो जाते हैं, और गेट पेड होने के बाद आप जो है ये क्रिएटर सब्सक्रिप्शन भी आपकी होना जाती है, एक्सप्रो भी मिल जाता है आपको, मीडिया स्टूडियो भी मिल जाता है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भाई आपकी ओपन हो जाती हैं, जिसमें चेक मार्क का आपका ओपन हो जाता है, आईडी वेरिफिकेशन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये सारी चीज़ें। कोशिश करें कि आप ये प्रीमियम ले लें, अगर आप थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगा सकते हैं तो आप प्रीमियम प्लस ले सकते हैं। प्रीमियम प्लस आप लें और इसमें आपको ग्रुप की भी एक्सेस होगी, इससे आप चैट कर सकते हैं, ये एआई की तरह है, आपको हर क्वेश्चन का जो है ना आंसर इसके पास होता है, ये आपको दे सकता है, और ये लार्जेस्ट है रिप्लाई बूस्ट जो है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इसको बूस्ट ही मिलता है प्रीमियम प्लस को, और बाकी एक्सेस भी इसके पास आ जाती है। ये करने के बाद अगर आपने प्रीमियम प्लस लेना है या प्रीमियम लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं तो नॉर्मली प्रीमियम प्लस लेता हूँ अपनी आईडीज के ऊपर, तो मैं ये मंथली पैकेज लेता हूँ इसका। मैं क्योंकि तुर्की में हूँ तो मेरे पास ये टी आर वाई आ रहा है, टर्किश लीरा, आपके पास यहाँ पे पी के आर आ रहा होगा, तो पी के आर में आपके 45 या 48 के दरमियान में, 4800, 4500 से 4800 के दरमियान में पी के आर में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप वो बाय कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब एंड पे पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये आपसे कार्ड डिटेल मांगेगा पाकिस्तान में। अच्छा, ये आपसे वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन नंबर भी मांगेगा, तो आपने वेरिफिकेशन करनी है इसकी फ़ोन नंबर की। आपके पास अभी ये नेक्स्ट स्टेप में मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि इसको हम बैक करते हैं, इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो हम इसको बैक करेंगे, ठीक है। बस बहरहाल नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो यही है कि आपने अगर प्रीमियम प्लस लेना है तो मंथली पैकेज आपने लेना है, और ईयरली भी ले सकते हैं, उस पर आपको कुछ सेव भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि मंथली लें। और उसके अलावा नहीं पैसे कम हैं तो आप ये प्रीमियम भी ले सकते हैं, इसके अंदर सब चीज़ें, सिर्फ ड्रॉप की ऑप्शन नहीं, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर है। इस पर सब्सक्राइब एंड पे करेंगे, आपका वेरीफाई होगा फ़ोन नंबर, आपका वेरीफिकेशन वहाँ पे हुई भी होगी, आप प्ले करें इसको पे करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे, आगे आपसे कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अब आपने जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन लगानी है वो आपने लगानी है ना, कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास है, किसी का भी, किसी दोस्त का लेके लगा सकते हैं, किसी का भी आप लगा सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, तो वो आप उस पर लगाएं।
उसकी डिटेल्स आप डालें, उसके अंदर आप वो पैसे रखें और मंथली उसके अंदर आप पैसे डालते रहें, या आप जो है एक ही दफ़ा आप 3-4 महीने के पैसे भी डाल के रख सकते हैं, तो वो मंथली खुद ही उसके अंदर से डिडक्ट हो जाते हैं अगर उसके अंदर पैसे होंगे। अगर नहीं होंगे पैसे तो वो आपको एक मेल भेज देगा कि आपके पास आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हम कैंसिल करने लगे। तो ये है सारा प्रोसीजर, बिल्कुल छोटा सा प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन, किसी किस्म की क्यूरी हो आपके पास हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के आपको ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं हर चीज़, तो वो भी आप मुझे बता दें टॉपिक कौन कौन से हैं, तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं देख के उसको वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।